अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 से है। इस टॉपिक का नाम है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एंड ग्रेटिंग इक्वेशन। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को स्टडी करेंगे और ग्रेटिंग इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से पहले हम स्टडी कर चुके हैं यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने टू स्लेट्स यूज किए थे S1 S2। तब हमें स्क्रीन पे मिनिमा मैक्सिमा इस पैटर्न में मिले थे, मिनिमा मैक्सिमा, ब्राइट डार्क इस शेप में मिले थे। फिर हमने देखा था नैरो स्लेट के लिए। आज हम करने जा रहे हैं डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को। इस टॉपिक को समझना है तो पहले हम देखेंगे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की पहले डेफिनेशन कर रहा हूं। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग is a glass plate having large number of parallel equidistant slits mechanically ruled on it. Diffraction grating क्या है? एक glass की plate है, फर्ज किया, उसके ऊपर क्या किया जाता है? Mechanically उसके ऊपर slits बनाई जाती है। Slits मतलब वो scratches बनाए जाते हैं, किसी मशीन के जरिए उसके ऊपर scratches डाले जाती हैं। अब वो जो scratches होती हैं, scratches का मतलब उसके ऊपर क्या होंगी? Lines draw हो जाएंगी। और वो जो ये ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग होगी, दो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होगी, उसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। दो स्लेट्स के दरमियान, देखिए हमारे पास कोई गिलास प्लेट है, उस गिलास प्लेट के ऊपर किसी मशीन के जरिए स्क्रैचेस डाली जाती हैं। वो स्क्रैचेस कोई एक दो तीन नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा स्क्रैचेस होंगी। अब कितना ज्यादा होगी? अगर आपके पास कोई ग्लास प्लेट है, उसके एक सेंटीमीटर पे तकरीबन 400 से लेकर 5000 लाइंस ड्रा की जाती हैं किसी मशीन के जरिए। उनको क्या किया जाता है? रोल किया जाता है, मैकेनिकली उसके ऊपर रोल किया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरे ग्लास प्लेट की बात नहीं हो रही, जस्ट इस ग्लास प्लेट के एक सेंटीमीटर की बात हो रही है। एक सेंटीमीटर के ऊपर 400 से 5000 लाइंस ड्रा की जाती हैं। अब ये लाइंस अब कितना करीब होंगी? एक सेंटीमीटर पे इतनी लाइंस होंगी, तो ये लाइंस हमें उस गिलास पे नेक्ड आई से हमें नजर नहीं आएगी। हमें लगेगा कि ये गिलास प्लेट क्या है, ये शफाफ है, ये क्लियर है, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई लाइंस नहीं है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब हमने कहा ये जो दो लाइंस होंगी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। और ये जो लाइंस हैं, ये हमारे पास स्लेट के तौर पे एक्ट करेंगी। दो लाइंस के दरमियान उसको जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, और ये जो लाइंस है ये स्लेट्स के तौर पे एक्ट करेंगी। अब क्या किया जाता है? इन्हीं स्लेट्स से क्या लाइट को गुजारा जाता है, तब हमारे पास इस तरह की फिगर बनेगी। अब आपने देखा कि यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में क्या था, ब्राइट डार्क, इनकी विड्थ ज्यादा हमें नजर आ रही थी और इनमें ओवरलैपिंग हो रही थी, हमें ये वाज़े दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को स्टडी करते हैं तो इसमें ये जो मिनिमा मैक्सिमा है इतना ब्रेक हो जाते हैं, उनके ब्रेक होने की वजह से वो शार्प हो जाते हैं, मतलब वो हमें वाजे वाजे दिखाई देते हैं कि यहाँ पे क्या है, मिनिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है। इससे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे थे, उनको हम वाजे नहीं पहचान पा रहे थे कि इसमें डार्क कौन सा है या ब्राइट कौन सा है। इसमें हम वाजे तौर पे डार्क और ब्राइट को पहचान पाएंगे, क्योंकि ये शार्प बन जाते हैं। अब मैंने बात की कि ग्रेटिंग एलिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लेट्स, दो स्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। और ग्रेटिंग एलिमेंट को डी से जाहिर किया जाता है,
दो स्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये लाइंस बहुत ज्यादा हैं, एक सेंटीमीटर में 400 से लेकर 5000 तक ये लाइंस हो सकती हैं, लेकिन यहां पे मैं जस्ट कोई 8 लाइंस ड्रा कर रहा हूं। ये यहां पे मैंने 8 लाइंस ड्रा की हैं। हमें पता है जब लाइट किसी स्लेट से गुजरती है तो वो किसके तौर पे एक्ट करती है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एवरी पॉइंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यहाँ पे जो हर पॉइंट है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के तौर पे एक्ट करेगी। मैंने कहा हम जस्ट 8 लाइंस को कंसीडर कर रहे हैं, हजारों की तादाद में होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जस्ट 8 लाइंस को कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट यहाँ से पैरेलल वे में जब निकलती है तो आगे हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस लगा के ये जो पैरेलल रेज आ रही होती हैं इन पैरेलल रेज को कन्वर्ज किया जाता है किसी पॉइंट पी पे। अब रेज इधर भी जा रही होती है, इधर भी जा रही होती है, इस सिम्प में भी। अब इस सिम्प में जो पैरेलल रेज जा रही हैं इनको क्या किया गया है, कन्वेक्स लेंस से इस पॉइंट पे हमने फोकस किया है। फर्ज के यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है या ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको नंबर एक दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाइंस मैंने ड्रा की हैं। अब हर लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम दे रहे हैं उसको मैंने डी लिखा हुआ है, ये 2 दरअसल मैंने उसके लिए लिखा हुआ है, ये है 1 लाइन, ये है 2, ये 3, 4, 5, 6 अप टू 7, आपने इसको 2D नहीं कंसीडर करना। अब एक लाइन से दूसरी लाइन तक डिस्टेंस है डी जिसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम दे रहे हैं। अगर आप देखें तो ये लाइन 1 से लाइन 2 ज्यादा पाथ कवर कर रही है, लाइन 3 उससे भी ज्यादा, 4 उससे भी ज्यादा, 5 उससे भी ज्यादा, तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये पाथ का डिफरेंस आ रहा है रे ऑफ लाइट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 7। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रे है ये कम पाथ कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, यहां तक ये जो 8th लाइन है, 8th रे है, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। अगर यहां पे मैं 1, 2 रे 1, 2 की बात करूं और ये जो है ए बी इसका पाथ डिफरेंस मैं ले रहा हूं, रे 1 और 2 में जो पाथ का डिफरेंस है उसको ए और बी का नाम दे रहा हूं, मैं इस चीज को कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला जस्ट ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो इससे नेक्स्ट जो है वो है 2 लैम्डा, मतलब उसका जो डिस्टेंस है इससे डबल हो रहा है, उससे आगे 3 लैम्डा, उससे मतलब वो 3 गुना हो रहा है फर्स्ट से, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 2 सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसी को कंसीडर करूंगा, ये फिगर ये मैंने उधर लिखी हुई है। उससे पहले हम देखते हैं ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसको हमने कहा ये जो 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है उसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका फार्मूला है डी इज इक्वल टू एल ओवर एन। एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है, मतलब जो प्लेट है उसकी टोटल लेंथ है। एन क्या है, ये है नंबर ऑफ लाइंस जो उसके ऊपर मैकेनिकली रोल्ड की जाती हैं। अब वो कह रहे अगर आप लेंथ को 1 पुट करें, यूनिटी पुट करें, तो ये आएगा 1 ओवर एन। इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस तो बहुत ज्यादा होती हैं। नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा होंगी तो 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी रकम है, ऊपर छोटी है, तो ये वाली जो रकम है, ये जो हमारे पास डी आ जाएगा, ये वेरी एंड वेरी स्मॉल हो जाएगा। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये है ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए। अब हम आते हैं इसी पे कि ये जो हम फिगर कंसीडर कर रहे हैं इसको हम यूज करके ग्रेटिंग इक्वेशन हम फाइंड करते हैं।
फर्ज किया ये जो ए बी है ये वाला है जो पाथ डिफरेंस जिसको हमने लैम्डा का नाम दिया हुआ है, और ये यहाँ पे मैंने इसको एंगल थीटा का नाम दिया है, ये वाला एंगल थीटा है, और 1 से 2 तक ये जो डिस्टेंस है जिसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम दे रहे हैं ये है डी। अब ए बी जो है ये ए बी को हमने लैम्डा का नाम दिया है। अब आप अगर देखें 1 और 2 में जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है वो है लैम्डा, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा आएगा तो वहां पे अंडरस्टूड है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमें यहां पे मैक्सिमम मिलेगा या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। सिमिलरली लैम्डा से 2 लैम्डा इसके दरमियान भी फिर डिफरेंस क्या है लैम्डा का है, ये जब उधर पहुंचेगी तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 लैम्डा से 3 लैम्डा फिर भी पाथ डिफरेंस क्या है लैम्डा का है तो फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ब्राइट फ्रिंज यहां पे हमें मिलेगा। अब हम ग्रेटिंग इक्वेशन को फाइंड करते हैं, इसी फिगर को ये जो हमने यहां पे कोई ट्रायंगल कंसीडर किया है इसी को लेके हम ग्रेटिंग इक्वेशन को स्टडी करते हैं। अब इसको अगर हम इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा फाइंड करना चाहें, हमें पता है थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और यहां ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये है 90 का एंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर ये होगा बेस तो ये होगा हाइपोटेनस। अब इसी से अगर हम साइन थीटा फाइंड करना चाहें तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये है ए बी, ए बी किसके इक्वल है लैम्डा के इक्वल है, और हाइपोटेनस ये है डी के इक्वल जो कि हम ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको हमने नाम दिया हुआ है। तो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डी। अब डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये तुम्हारे पास क्या क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ गया है। अगर हमने और भी फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा कर लेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड, फोर्थ, अप टू सो ऑन। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू हमने 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन लिखा है। अब आपकी बुक में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर इमेज, सेकंड ऑर्डर इमेज, थर्ड ऑर्डर अप टू सो ऑन। अब ये वैल्यूज पुट करते जाएं, 0 पे पुट करेंगे वहां क्या होगा बेटा 0 ऑर्डर, पहला है 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर इमेज है, फिर आप 1 पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इमेज, सेकंड, थर्ड, अप टू सो ऑन। ये जो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको कहते हैं ग्रेटिंग इक्वेशन। ये हमने क्या किया है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को स्टडी किया है और हमने एंड पे ग्रेटिंग इक्वेशन फाइंड की है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ग्रेटिंग इक्वेशन और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को स्टडी किया है। आई होप सो के आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।